लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप लोगों का प्यार, आदर और सत्कार देखकर मेरा दिल भर आया। मैं जानता हूं कि इन बच्चों को पैसे और हमदर्दी से ज्यादा प्यार की जरूरत है, लेकिन मैं शर्मिंदा हूं कि वो प्यार, वो समय मैं इन्हें नहीं दे पाता हूं। और मैं आपसे क्या कहूं, पहले मेरी तरफ से ये 5,00,000 रुपया एक छोटी सी भेंट इस संस्था को। थैंक यू सर, थैंक यू। बच्चों पे खर्च करते हैं सर। सर हमारी संस्था ने बहुत सारे नेक काम किए हैं, अनाथ बच्चों के लिए किताबें बांटी। मुझे उनसे मिलना है, कल ऑफिस में मिल लेना। एक्सक्यूज मी सर। यस। मेरा नाम अजय मेहरा है, मैं अपने भाई अशोक मेहरा के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। कम भाई अशोक हमारे साथ काम जरूर करता था, लेकिन कुछ महीनों से हमारी उसके साथ कोई डीलिंग्स नहीं हुई। पता नहीं, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई तुमने? हाँ, मगर जानता हूं हमारी पुलिस में बस। मैं कमिश्नर साहब से खुद इस बारे में बात करूंगा, यू डोंट वरी। थैंक यू सर। तुम लोगों को माल में वो पहला माफी कन्नाटा नहीं रहा। ग्राहक लोग खरीदता टाइम रोता है, बोलता है साला तुम लोगों को माल में दमिच नहीं है। क्या बात है डेका? सर कुछ नहीं सर, वो माल के बारे में बात कर रहा सर। वेरी गुड माल सर, एक्सीलेंट कंडीशन सर। सर गुजरात में आपका माल का बहुत डिमांड है, थोड़ा सप्लाई बढ़ जाए तो मजा आ जाए। मुश्ताक का क्या हुआ? सर उसको अंडरग्राउंड कर दिया। क्या मतलब? सर 7.5 फुट नीचे जमीन के लटा दिया, खड़ा होगा तो भी मुंडी बाहर नहीं निकाल सकता। डेका ऊंची आवाज में बात मत किया करो। सर शोर हमें पसंद नहीं। मेरे बड़े भाई अशोक मेहरा हैं, यहाँ अक्सर आया करते थे। नहीं जी, ये यहाँ नहीं आते। भाई साहब आप इन्हें पहचानते हैं? जी नहीं पता। कहीं देखा हो? जी नहीं। शराब पिलाओगे तो यो, शराब पिलाओगे? अब गलत आदमी से बात कर रहे हैं। तुम्हें तलाश है ना किसी की? जानता हूँ जानता हूँ। आप जानते हैं अशोक मेहरा? हाँ, है? मेरे भैया हैं। पैसे कितने? पैसे कितने हैं? आप मेरे भैया को कैसे जानते हैं? इतने से क्या होगा, मैं और ला दूंगा। पहले ये तो बताओ मेरे भैया कहाँ हैं? चलो आओ मेरे साथ। कम ऑन कम ऑन।
शाबाश, इसे मेरे पट्टे से लड़वा। चल हट, हवा आने दे। ये ले भाई तुम्हारे पैसे, ये ले तुम्हारे पैसे, ये ले तुम्हारे। इसे मेरे पट्टे से लड़वा। ये शेर है शेर, वो बबर शेर है। यानी तेरा पट्टा जीता तो 10 का 40 का भाव दूंगा, और अगर मेरा पट्टा हारा तो मैं 10 का 300 दूंगा। टन टन डना डन डन। साहब एक और। चलो तैयार हो जाओ। ये क्या हो रहा है? खेल हो रहा है, गेम। मुझे तो आपे लगा रहे हैं। बंद करिए तमाशा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। मुझे मारने से कुछ नहीं मिलेगा, उसे मारो तो पैसे मिलेंगे। मैं नहीं लड़ूंगा, किसी कीमत पर नहीं। अपने भाई के लिए भी नहीं। मैंने तुम्हें कहा ना, कल और पैसे ला दूंगा। कल कल किसने देखा है सरकार? आज की बात करो, अभी की। ओके, नो प्रॉब्लम, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे मालूम है तुम जीतोगे, तुम एक अच्छे बॉक्सर हो, पता है मुझे, अशोक ने बताया था, और ऐसी बातें मैं भूलता नहीं हूं। ऑल द बेस्ट। ये मेरा शेर है। कितना? 50 रुपए कमाइए, 10 का 40 कमाइए। शाबाश शाबाश। एक ही भटके में आ गया। कहीं का नहीं रहा, जिन्होंने कर्जा दिया था वो जान के पीछे पड़े थे उसकी, और वो अपनी जान बचाने के लिए हमारे साथ हो लिया, मतलब काम करने लगा हमारे साथ। लेकिन वो तो मिस्टर बलवंत राय के लिए काम करते थे। आई नो बलवंत, मिस्टर बलवंत राय, हम दोनों ही साथ काम करते थे उसके लिए। अशोक का सारा कर्जा चुकाकर उसने खरीद लिया था उसे, और अशोक की कंपनी की आड़ में अपना धंधा फैलाने लगा। कैसे धंधा? मौत का धंधा, ड्रग्स, नशीली दवाइयों का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है बलवंत राय। यहीं इसी जगह उसका लाखों का माल जमा होता है। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा भाई भी सच्चाई से घबराया करता था। बात हो गया, बस बलवंत राय, मैं इस दलदल से बाहर निकलना चाहता हूं, और फिर अभी मैंने तुम्हारा कर्ज भी तो उतार दिया है। मेरी राय मानो बलवंत राय, तुम ये सब कुछ बंद कर दो। मेरी राय मानो अशोक, कुछ दिनों के लिए बाहर घूमाओ, और हाँ अशोक, वो पेटी कामरान को दे देना। महिले, कामरान से कहो कि वो फाइलें और कागजात जला दे। फिर कुछ दिनों के लिए वो कहीं चला गया। मुझसे बोला भाई से मिलने जा रहा हूँ। हाँ, मुझसे मिलने आए थे वो, लेकिन क्या वो फिर तुमसे मिले नहीं? मिला एक दिन इसी जगह, फिर मिला इस जगह। और कोई जगह भी तो नहीं थी मिलने की, यही दुनिया थी हमारी, यहाँ के बादशाह थे हम। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं यहाँ बैठा था, वो वहां जहां तुम बैठे होगी। ए, बकवास करता है तू, हाँ? पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। तू अजय को नहीं जानता, मेरा भाई जरूर आएगा। मैंने यहीं से कॉल बुक किया, मैं उसको बोलूंगा बेटा मैं बहुत परेशान हूं,
मेरी परेशानी सुन के वो दौड़ के चला आएगा। अशोक बाबू आपका कॉल लग गया है। देखा देखा मेरा कॉल लग गया। अब उसको बोलूंगा, मैं उसको बोलूंगा और फोन चलाएगा। हेलो कौन? अजय मैं बेटा मैं अशोक बोल रहा हूँ, मैं बंबई से बोल रहा हूँ। देखो हेलो तू सुन रहा है ना बेटा, मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है बेटा, मैं बहुत परेशान। अशोक को छोड़ दो। बताओ वो बेटी कहाँ है? नहीं बलवंत राय, वो कागजात तेरे गुनाहों के सबूत है, अब तेरे चेहरे से शराफत का मुखौटा बहुत जल्द उतर जाएगा। ए, ए, बस करो। अगर तो अशोक ने पेटी के बारे में बता दिया है तो मारा गया होगा, और अगर नहीं बताया है तो लटका होगा जिंदगी और मौत के बीच। चलो ले चलो मुझे कहा भैया के पास लेते हैं। चुपचाप खिसक चलते हैं यहाँ से। कौन है ये? मेरे भाई को तुम नहीं जानते, इसे इस जहन्नुम का मालिक है ये। तू नहीं जानता है मैं ऊपर हूँ। बलवंत राय का खास बहुत स्ट्रांग को डेंजर आदमी है। उस दिन ये भी था। आ जा नीचे, अब तेरे मुक्के का जवाब मैं दूंगा। आ जा। तो इस साल आप बीच में नहीं आएगा, जब साल अपनी अपनी जगह से इसकी मौत का तमाशा देखना। ताले का खून बहुत गर्म है ना, इसका खून अभी ठंडा करता हूं मैं। समझ के रखा तुम लोगों ने? ये यही आपका कानून है? हिम्मत है तो जाइए, पकड़ लाइए बलवंत राय को। ऐसे कितने आपका रखा मेरे भाई को? खाम खा किसी बड़े आदमी का नाम बीच में मत लो। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो आपके सामने उठा लेंगे, उठा लेंगे उस आदमी को। सबूत मिल जाएगी, उसकी लाश बैठ के पंचनामा करना, मेडल देगी सरकार आपको। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, हम पुलिस वाले झक मारती है पुलिस।